आपको बताते हैं, दरअसल ये खबर हादसा, हत्या और हंगामे से जुड़ी हुई है। इस खबर के बारे में आपको बताएं, दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में जबरदस्त आक्रोश लोगों का देखने को मिला, क्योंकि पीट पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला आपको बताते हैं, रामगंज हत्या मामला है ये, जिसमें आक्रोश अब शांत हो चुका है। सरकार के आश्वासन के बाद सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जो कि अब शांत है, अब हट चुकी है ये भीड़। वहीं ट्रैफिक सामान्य होने के बाद बाजार की दुकानें भी खुल गई और पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर 13 लोगों को डिटेन किया। इसके अलावा CM गहलोत ने परिजनों को 50 लाख मुआवजे और संविदा पर नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं पुलिस की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम हुआ। आपको बता दें, कल रात दो बाइकों की टक्कर के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से मामले में भारी हंगामा चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल अभी इस मामले में पुलिस ने पूरी सक्रियता दिखाई है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस मामले में आदेश दिया गया, मुआवजे की घोषणा की गई और संविदा पर नौकरी की भी घोषणा पीड़ित के परिवार वालों के लिए की गई। और इसके अलावा पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस मामले को हैंडल करते हुए दोनों ही पक्षों के लोगों को समझाया बुझाया। फिलहाल अभी भी वहाँ पर पुलिस की गश्त, पुलिस की मौजूदगी है और हर लिहाज से स्थिति को पुलिस ने कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, बड़े सवाल कुछ उठते हैं इस पूरी घटना के बाद। बड़े सवाल ये, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे, सवाल ये कि बाइक टकराने से भला इतने लोग भड़क कैसे गए? और इस सवाल के जरिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये बवाल आखिर हुआ क्यों, ये आक्रोश आखिर हुआ क्यों? क्योंकि अमूमन देखने में यही बात होती है, रोड रेज के लगातार मामले सामने आते हैं और रोड रेज का ही इसको मामला कहा जाएगा, जिसमें सवाल यह कि बाइक टकराने से ऐसे कैसे भड़क गए इतने लोग। और अब उसके बाद यह भी सवाल उठता है कि किसने युवक की हत्या की। हालांकि कहा जा रहा है कि आरोपियों को फिलहाल पकड़ लिया गया है, और अब हिंसा की आपको हवा किसने दी, मामला शांत क्यों नहीं होने दिया गया? सवाल ये कि आखिर किसने की युवक की हत्या, क्या जानबूझकर घटना पर मजहबी रंग चढ़ाया गया, दूसरा रंग चढ़ाया गया? समाज को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश करने वाले आखिर कौन लोग हैं? एकत्रित कुछ लोगों ने मारपीट किया, उनमें एक व्यक्ति का डेथ हो गया, उस पर मुकदमा हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद उस वारदात में शामिल कई व्यक्तियों को हमने डिटेन किया है। अभी इस स्थिति हम सामान्य कर रखा है और थोड़ी देर में पूर्ण शांति हो जाएंगे। कोई मोटिव नहीं था, एक गलत फहमी के कारण हुआ है, रोड जैसे रोड रेज को कारण जैसे स्थिति में होता है वही हुआ है। जो मुकदमे में जो वांटेड है उनमें से ज्यादातर लोग अरेस्टेड हो गए। और जयपुर के रामगंज की घटना पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है, बीजेपी ने सरकार की मदद पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक प्रेस नोट जारी किया और इस प्रेस नोट में उन्होंने कहा, युवक की मौत के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास गलत है, प्रदेश में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है, पिछले 5 सालों में इस तरह की कई हत्याएं हुई, इन मामलों में किसी भी तरह की सहायता नहीं दी गई। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, इसी खबर से संबंध में जयपुर के रामगंज की घटना पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक प्रेस नोट जारी किया है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।